नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल धुराधार अपडेट्स में। तो दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो है 47 सरकारी पदों पर जो है भर्ती होने जा रही है। तो ये भर्ती जो है डॉक्टर YS परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री सोलन नोनी की तरफ से जो है ये एडवर्टाइजमेंट निकाली गई है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये कौन कौन सी जो है 47 पोस्टें जो हैं भरी जाएंगी और इसके लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी और इसकी जो है कितनी फीस लगेगी एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए और क्या सिलेबस रहेगा जो इनका एग्ज़ाम जो होगा सिलेबस के बारे में भी हम पूरी जानकारी बताएंगे और कितने मार्क्स का जो है पेपर होगा तो उसकी भी पूरी डिटेल में हम आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएंगे। तो वीडियो पर एंड तक बने रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप तक जो है हमारी हर नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले पहुंच सके। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने जो है PDF डाउनलोड कर लिया है YS परमार यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से। तो इसमें इन्होंने बता रखा है, हाईलाइट करके जो है इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड अर्लियर टू द रिस्पेक्टिव पोस्ट इन रिस्पॉन्स टू दिस ऑफिस एडवर्टाइजमेंट नंबर जो इन्होंने है 1/2019 और डेटेड 4 जनवरी 2019 को जो एडवर्टाइजमेंट निकाली गई थी और 5/2019 एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है और 20/8/2019 को जो है एडवर्टाइजमेंट निकाली गई थी, दोनों एडवर्टाइजमेंट है। तो उन्होंने बता रखा है कि नी नॉट टू बी अप्लाई अगेन। तो जिन कैंडिडेट्स ने जो है इन एडवर्टाइजमेंट जो ये निकाली गई थी उस टाइम जो जिन्होंने अप्लाई किया था पोस्ट के लिए, तो उनको जो है दोबारा से अप्लाई करने की जो है ज़रूरत नहीं है। तो आगे जो है इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में हम बात करें तो ये इन्होंने बता रखा है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म जो भरने स्टार्ट होंगे वो 14 फेब से जो है एप्लीकेशन फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे इन 47 पोस्ट जो इन्होंने निकाली है। और जो है 13 मार्च तक जो है क्लोजिंग डेट है जो रिक्रूटमेंट के फॉर्म भरने की। तो इन्होंने जो है ये वेबसाइट बता रखी है, यहाँ पे आप इस वेबसाइट को जो है नोट कर लें कि आप जो है इसकी वेबसाइट पर जाके जो है आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकें, www.yspuniversity.ac.in इस वेबसाइट को जो है आप नोट करें। और आगे हम आपको बताते हैं कि जो इन्होंने बता रखा है यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि जो आपको जो है 14 फेब से लेकर जो है 13 मार्च तक जो है आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं और इस वेबसाइट पर जो है जाकर आप जो है अप्लाई कर सकते हैं और 13 मार्च के बाद जो है ये ऑटोमेटिकली जो है डिसेबल कर दिया जाएगा लिंक। तो इन्होंने बता रखा है यहाँ पे कि द डाउनलोडेड कॉपी ऑफ द ऑनलाइन फॉर्म अलॉन्ग विद नेसेसरी ओरिजिनल सर्टिफिकेट एंड देयर सेल्फ टेस्टेड फोटो कॉपीज मस्ट बी ब्रॉट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट और डॉक्यूमेंटेशन इवेल्यूएशन फॉर 15 मार्क्स इनके में भी, ठीक है। तो इन्होंने ये बता रखा है यहाँ पे कि अगर जो आपका जो डाउनलोडेड एप्लीकेशन फॉर्म जो होगा उसके साथ जो है आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स की जो है सेल्फ अटेस्टेड जो है फोटो कॉपीज जो है लगानी है और उसको जो है एट द टाइम ऑफ इन्होंने बता रखा है इंटरव्यू और पर्सनैलिटी टेस्ट होगा तब जो है आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो 15 मार्क्स की जो है एवेल्यूएशन जो है होगी। और एज की बात करें तो एज जो है 18 से 45 साल जो है इन्होंने एज रखी है। और नेक्स्ट जो है इन्होंने यहाँ पे बता रखा है कि इंस्ट्रक्शंस बता रखी हैं, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। तो द कैंडिडेट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडियन, ठीक है। और इन्होंने आगे बता रखा है यहाँ पे, द कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट ही शी पास्ड मेट्रिकुलेशन एंड 10th। इसमें इन्होंने बता रखा है कि ये उन कैंडिडेट्स के लिए एलिजिबली वही कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे जिन्होंने जो है 10th और प्लस टू जो है हिमाचल प्रदेश से की है। और जो कैंडिडेट्स जो हैं दिस कंडीशन शैल नॉट अप्लाई टू बोनाफाइड हिमाचलीज, तो ये कंडीशन जो है जो बोनाफाइड हिमाचली हैं उनके लिए अप्लाई नहीं होगी 10th और प्लस टू की। तो ब्रीफ में आपको बताता हूँ कि जिन कैंडिडेट्स ने जो है RNP रूल जो लागू किया गया है कि जो पोस्टों 47 पोस्टिंग के लिए जो है 10th और प्लस टू जो है आपको हिमाचल प्रदेश से करनी होगी और जो हिमाचल प्रदेश में रहने वाली हैं जो बोनाफाइड हिमाचली हैं उनके लिए ये कंडीशन जो है लागू नहीं होती है। तो आगे हम आपको बताते हैं, लास्ट डेट के बारे में मैंने आपको बता दिया है और ऑनलाइन इंस्ट्रक्शंस जो हैं इन्होंने बता रखी हैं यहाँ पे, कैंडिडेट मस्ट रीड इंस्ट्रक्शन अदर टर्म एंड कंडीशंस केयरफुली फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन। तो जो है आपको टर्म एंड कंडीशन जो है ध्यान से पढ़ लेनी है जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को जो है अप्लाई करेंगे। और कैटेगरी के बारे में इन्होंने बता रखा है। और आगे जो हम बताते हैं आपको पोस्ट के बारे में, अगर आपको ये वीडियो चाहिए PDF तो नीचे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो वहाँ से जो है आप
डाउनलोड कर सकते हो इस PDF को। तो सबसे पहले जो है पोस्ट की बात करें तो ये पोस्ट है इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नीशियन ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो इसमें जो है ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो है ये पोस्ट रहेगी। तो इसका पोस्ट कोड जो है 300 है और पे स्केल के बारे में बात करें तो 21,000 से स्टार्ट होगी आपको जो है पे पर मंथ जो है मिलेगी। और आपको जो है साथ में ग्रेड पे भी दिया जाएगा और 125% जो है ऑफ ग्रेड पे GP। और एक पोस्ट जो है इन्होंने रखी है और नेक्स्ट पोस्ट जो है ये टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, इन्होंने यहाँ पे बता रखा है कितनी सैलरी दी जाएगी। अंडर द प्रोजेक्ट टाइटल्ड AICRP ऑन मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट एंड बेटलविन। तो पोस्ट कोड 301 और एक पोस्ट है जनरल की। नेक्स्ट है थर्ड ड्राफ्टमैन की पोस्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर। पोस्ट कोड जो है इसका 202 एक पोस्ट है। फोर्थ नंबर पे जो है पब्लिकेशन असिस्टेंट की पोस्ट है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। 18,000 से स्टार्ट होगी पेमेंट आपकी जो सैलरी दी जाएगी। और एक पोस्ट है, पोस्ट कोड 203। और नेक्स्ट जो है जूनियर सिविल इंजीनियर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये पोस्टें हैं। 18,000 से जो है आपको पर मंथ जो है दी जाएगी सैलरी, आप देख सकते हैं जैसा कि। और 204 जो है ये पोस्ट कोड है। और इसकी जो है चार पोस्टें जो है इन्होंने रखी हैं, एक जनरल की है, एक SC की है और EWS की एक पोस्ट है। छठे नंबर पर जो है टेक्निकल असिस्टेंट की है ग्रेड वन की फील्ड की। पोस्ट कोड 205 है, एक पोस्ट है। आगे सातवें नंबर पर जो है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट JOA IT की पोस्ट है ये। इसमें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे पोस्ट होगी और 10,000 जो है आपको पर मंथ जो है सैलरी दी जाएगी और साथ में ग्रेड पे भी होगा। और 206 जो है पोस्ट कोड है। और इसमें जो है टोटल 13 पोस्टें जो है इन्होंने रखी हैं। जनरल की 5 है, SC की 3 है, SC BPL की 1 है, OBC की 1 है, OBC BPL की 1 है, EWS की 2 है। फील्ड असिस्टेंट की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये पोस्ट है। 10,000 जो है पर मंथ आपको दिया जाएगा प्लस ग्रेड पे भी होगा साथ में। 208 जो है इसकी पोस्ट कोड है और 5 पोस्ट जो है भरी जाएंगी। जनरल की 2 है, SC की 1 है, OBC की 1 है, EWS की 1 पोस्ट है। नेक्स्ट 9th नंबर पे जो है जूनियर टेक्नीशियन लेबोरेटरी की ये पोस्ट है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर। तो 209 जो है पोस्ट कोड है इसका और 5 पोस्ट हैं टोटल। नेक्स्ट जो है जूनियर टेक्नीशियन पंप ऑपरेटर की पोस्ट है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर। पोस्ट कोड 211 एक पोस्ट है। और 11 नंबर पर है जो है ड्राइवर की पोस्ट है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर। 10,410 रुपये पर मंथ जो है आपको दिया जाएगा प्लस ग्रेड पे भी दिया जाएगा आपको। और 212 जो है इसका पोस्ट कोड है, दो पोस्टें हैं ड्राइवर की। नेक्स्ट चलते हैं 13 नंबर लाइब्रेरी असिस्टेंट की पोस्ट है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर। 214 जो है इसका पोस्ट कोड है और टोटल पोस्टें जो हैं 4 हैं। 14 नंबर पे जो है स्पोर्ट्स असिस्टेंट की पोस्ट है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर। 215 जो है पोस्ट कोड है, एक पोस्ट है। और 15 नंबर पर जो है असिस्टेंट लाइनमैन की पोस्ट है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर। 216 पोस्ट है, पोस्ट कोड है इसका और एक जो है पोस्ट ये भरी जाएगी। और 16 नंबर पर जो है केयर टेकर की पोस्ट है ये, जो कि स्टोर कीपर होता है। तो उसकी जो है इन्होंने सैलरी बता रखी है यहाँ पे 10,000 से स्टार्ट होगी। और जो है 217 जो है पोस्ट कोड है, दो पोस्ट जो है ये भरी जाएंगी। और लास्ट जो है इन्होंने बता रखा है यहाँ पे कि मैटर्न की है फॉर फीमेल कैंडिडेट्स ओनली, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ये पोस्ट है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर। 218 जो है पोस्ट कोड है, दो पोस्ट जो है ये भरी जाएंगी। तो एब्रीवेशन जो है इन्होंने नीचे बता रखा है। तो आप जो है वीडियो को पॉज करके जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो पोस्ट का और ध्यान से जो है आप देख सकते हो कितना जो है आपको सैलरी दी जाएगी। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें यहाँ पे तो आपको जो है इंस्ट्रूमेंटेशन एंड टेक्नीशियन के लिए जो है BE BTEC इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में जो है आपकी होनी चाहिए पोस्ट कोड 300 के लिए। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए जो है MSc फॉरेस्ट्री में होनी चाहिए। ड्राफ्ट्समैन के लिए 10+2 एग्जामिनेशन जो है होना चाहिए और इक्विवेलेंट बोर्ड और रिकॉग्नाइज से होना चाहिए, ठीक है। और इन्होंने दूसरे नंबर पर बता रखा है एटलीस्ट 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स भी होना चाहिए आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। और पब्लिकेशन असिस्टेंट के लिए जो है इन्होंने 10+2 और इक्विवेलेंट होनी चाहिए क्वालिफिकेशन। और 3 ईयर जो है आपका प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का जो है डिप्लोमा कोर्स जो है होना चाहिए। जूनियर इंजीनियरिंग के लिए जो है इन्होंने बता रखा है डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट और इक्विवेलेंट और फुल टाइम डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। तो ये जो है पोस्ट
आप देखते हो पोस्ट कोड 204 जूनियर सिविल इंजीनियरिंग के लिए जो है इन्होंने नोटिफिकेशन निकाली थी कि हिमाचल प्रदेश में जो है जूनियर इंजीनियर की जो पोस्ट है वो डिप्लोमा होल्डर्स के लिए जो है ये पोस्ट निकाली गई है। बट इस एडवर्टाइजमेंट में जो है इन्होंने क्लियर कर दिया है कि जो है सिविल इंजीनियरिंग के जो डिग्री है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं, टेक्निकल असिस्टेंट की जो पोस्ट है ग्रेड वन की, इसके लिए जो है एटलीस्ट सेकंड डिवीजन जो है पीएससी हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री एजुकेशन में होनी चाहिए एग्रीकल्चर में। और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट जेओ की जो आईटी की पोस्ट है इसके लिए 10+2 और डिप्लोमा होना चाहिए आपका 1 ईयर ड्यूरेशन का, जो कि पीजीडीसीए आपकी हो सकती है, जो इन्होंने नीचे बता रखे हैं INIELIT ये एलिजिबल हैं, ये जिन्होंने इस डिपार्टमेंट से की होगी। फील्ड असिस्टेंट के लिए जो है इन्होंने 2+2 बता रखी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और बीएससी हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री के लिए जो है इन्होंने जूनियर टेक्नीशियन की जो पोस्ट है, और जूनियर टेक्नीशियन ये लेबोरेटरी के लिए है। और पंप ऑपरेटर के लिए जो है मैट्रिक पास होना चाहिए और ITI सर्टिफिकेट जो है इलेक्ट्रीशियन और मोटर मैकेनिक्स का जो होना चाहिए। ड्राइवर के लिए जो है मैट्रिक्स होना चाहिए क्वालिफिकेशन, और उसके पास जो है ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए हैवी और लाइट व्हीकल का। और लाइब्रेरी पोस्ट के लिए जो है इसमें 10+2 होनी चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए 10+2 में, और जो है एटलीस्ट जो है 1 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस का। और स्पोर्ट्स असिस्टेंट के लिए जो है पोस्ट निकाली गई है, तो इसमें जो है आपको 10+2 होनी चाहिए आपकी, और फिजिकल एजुकेशन का जो 2 साल का डिप्लोमा होता है वो आपका होना चाहिए। असिस्टेंट लाइनमैन के लिए जो है मैट्रिक्स पास होना चाहिए, और ITI की जो है इंस्टीट्यूट की जो है इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन की जो है ITI की होनी चाहिए। और कारपेंटर के लिए जो है 10+2 होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए 1 ईयर का कंप्यूटर साइंस का। और मैटर्न फीमेल ओनली के लिए जो है ये लड़कियों के लिए है, तो इसमें 10+2 की होनी चाहिए उनको, और डिप्लोमा होना चाहिए 1 ईयर का कंप्यूटर साइंस का, कंप्यूटर एप्लीकेशन का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। ड्राइवर क्वालिफिकेशन जो है इन्होंने बता रखी है कि नॉलेज होनी चाहिए आपको कस्टम मैनर एंड डायलेक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश की, और सूटेबिलिटी फॉर अपॉइंटमेंट इन द पेकुलर कंडीशन प्रिवेल इन द प्रदेश। तो नोट बता रखा है कैंडिडेट विद हायर क्वालिफिकेशन इन द सेम फील्ड फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट एफिलेटेड टू अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी और फ्रॉम अ डैम्ड यूनिवर्सिटी में आल्सो अप्लाई। तो आगे हम बात करते हैं आपको मोड ऑफ सिलेक्शन की। तो आपके जो है दो जो है इन्होंने सिलेक्शन प्रोसेस होगा, एक तो होगा जो आपका 85 मार्क्स का जो है रिटन एग्ज़ाम होगा, और 15 मार्क्स की जो है आपकी इवेल्यूशन होगी। तो 85 मार्क्स का जो एग्ज़ाम होगा वो MCQ होगा, तो टोटल जो है 100 मार्क्स, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे बता रखा है इन्होंने। तो आपका जो है कैंडिडेट्स इन द रेशो ऑफ 20 टाइम्स ऑफ टोटल पोस्ट विल बी डिक्लेयर्ड क्वालिफिकेट इन द रिटन एग्ज़ाम जो होगा, और कॉल्ड फॉर इंटरव्यू और पर्सनलिटी टेस्ट। और आपको इन्होंने जो है यहाँ पे सिलेबस के बारे में बता रखा है रिटन एग्ज़ाम का, 85 मार्क्स का जो है रिटन एग्ज़ाम होगा, और इसमें जो है 65 मार्क्स के जो है आपके फील्ड के आएंगे, जो जिस फील्ड में आप इस अप्लाई करोगे पोस्ट को, और 10 मार्क्स का जो है आपका जनरल नॉलेज होगी हिमाचल की, और जनरल नॉलेज जो नेशनल और इंटरनेशनल की होगी 10 मार्क्स की। तो टोटल जो है 85 मार्क्स जो हैं आपके हो गए हैं। और टाइम कितना मिलेगा आपको एग्ज़ाम में, तो 90 मिनट्स जो हैं आपको मिलेंगे, 1.5 घंटा जो है आपको दिया जाएगा ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन। तो इन्होंने बता रखा है यहाँ पे, ये पोस्ट कोड जो है पूरे बता रखे हैं यहाँ पे। और रिटन एग्ज़ाम जो है ये पार्ट वन है 85 मार्क्स का जो होगा, तो आप जो है इसको ध्यान से पढ़ सकते हो, PDF आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। टोटल जो है 100 मार्क्स का जो है आपका होगा, और जो नीचे इन्होंने ये पोस्ट कोड बता रखे हैं इनके लिए जो है 85 मार्क्स का होगा, उसमें जो है GK एंड करंट अफेयर ही पूछी जाएगी 20 मार्क्स की, और 65 मार्क्स का जो होगा उनकी फील्ड का होगा। तो इनके लिए जो है 90 मिनट्स जो है दिए जाएंगे। और जो नेक्स्ट जो पोस्ट कोड है, आप पोस्ट कोड ध्यान से पढ़ें कि किस पोस्ट कोड के लिए जो है कितना सिलेबस जो है इन्होंने बता रखा है। तो यहाँ पे इन्होंने पोस्ट कोड बता रखे हैं इनके लिए जो है, ये जो है इन्होंने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे, आप देखते हैं। और ड्यूरेशन जो है सभी के लिए जो है 90 मिनट्स ही दिए जाएंगे। तो आपको जो है ये PDF में मिल जाएगा सारा, तो आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। ड्राइवर के लिए क्या चाहिए, पार्ट टू होगा इवेल्यूशन का, जैसे कि आपको पता ही है कि पूरे जो है कौन कौन से सर्टिफिकेट्स के जो है मार्क्स लगते हैं, कौन ट्रेनिंग की होती है वहाँ के, उनके भी मार्क्स जो है आपको लगते हैं। तो इन्होंने यहाँ नीचे जो है अप्लाई कर कैसे करना है बता रखा है। तो फीस की बात करें तो फीस जो है आपको जनरल कैटेगरी के लिए जो होगी वो 800 होगी, जो पोस्ट कोड जो है 300 है,
वो जो पोस्ट कोड है 310-202 से लेकर 218 तक उनको 500 देनी होगी। और जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन बीपीएल ऑफ हिमाचल प्रदेश के जो हैं एससी एसटी ओबीसी, उनके लिए 200 रुपया देना होगा पोस्ट कोड 300 के लिए, और पोस्ट कोड 301 202 से लेकर 218 तक जो है 125 रुपये देने होंगे। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब बैकवर्ड क्लासेस हिमाचल प्रदेश की, उनके लिए भी जो है 125 जो है, ये पोस्ट कोड देख लें आप ध्यान से कि कौन से पोस्ट के लिए कितनी पोस्ट फीस जो है देनी होगी, और 200 रुपया जो है पोस्ट कोड 300 के लिए देना होगा। और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो है कोई फीस नहीं देनी होगी। तो ये फीस की हमने बात कर दी, और मोड ऑफ जो पेमेंट रहेगा वो ऑनलाइन ही रहेगा, ऑफलाइन जो है नहीं भरे जाएंगे ये फॉर्म। और नेक्स्ट हम आपको बताते हैं कि जो एडमिट कार्ड के बारे में, तो देयर फॉर द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रिमेंबर देयर यूज़र आईडी एंड पासवर्ड टू लॉग इन द डाउनलोड देयर एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड भी जो है आपके ऑनलाइन ही जो है साइट में डाले जाएंगे। तो आप जो है बाकी जो ये इन्होंने बता रखा है कैटेगरी क्लेम वगैरह, तो आप जो है ध्यान से पढ़ लें इनको, पीडीएफ आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ जो है इस वीडियो को जो है आप शेयर करें, ताकि उनको भी जो है इस रिक्रूटमेंट के बारे में पता लग सके कि जो हिमाचल प्रदेश में जो है 47 सरकारी पदों पर जो है ये भर्ती होगी, तो वो भी इस भर्ती को भर सकें। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको जो है ऐसी ही जो है अपडेट हमारे चैनल द्वारा जो है मिलती रहे, क्योंकि इस चैनल पर जो है हम गवर्नमेंट जॉब और एजुकेशन के रिलेटेड जो है हर नोटिफिकेशन जो है हिमाचल में निकलती है उसकी जो है हम वीडियो बनाकर जो है इस चैनल पर जो है अपलोड करते हैं, ताकि आप जो है पता लग सके आपको कि हिमाचल प्रदेश में क्या चल रहा है, कौन सी रिक्रूटमेंट निकल रही है। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिमाचल।